जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, अभी तक भारत जो है ओलंपिक्स में सिर्फ सिक्स मेडल लिए हैं। 6 मेडल मिले हैं, वो भी सिल्वर के। गोल्ड अभी तक नहीं मिला था, लेकिन कल जो है नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया। नीरज चोपड़ा ने विंस किया गोल्ड को, और इंडिया को जो है एक गोल्ड भी मिला। चलिए अब जानते हैं नीरज चोपड़ा ने कौन सा गेम खेला और इसको अच्छा कैसे स्कोर किया और उसकी इस गेम की हिस्ट्री क्या है। इस वीडियो में फुल डिटेल्स बताएंगे। आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पूरी देखें। तो चलिए जानते हैं, नीरज चोपड़ा ने जो कल है लगभग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। उन्होंने जो एक गेम खेला, एक गेम जिसमें जो है उन्होंने विंस किया गोल्ड, उसका नाम जैवलिन है। जैवलिन एक प्रकार की एक जो है छड़ी होती है, स्टिक जिसे हम कहते हैं। जैवलिन का चलिए हम जानते हैं इतिहास क्या है। ये एंशियंट टाइम पुराने जमानों से ही खेला जा रहा है। इसका जो है ये 708 BC से ही खेला जा रहा है, मतलब कि 708 ईस्वी से ही खेला जा रहा है। और फर्दर इसे जो है दो भागों में डिवाइड किया। ये जो खेला जा रहा है किसके द्वारा? पैंथलॉन के द्वारा खेला जा रहा है, और इसे दो भागों में डिवाइड किया। पहले क्या होता था कि हम दौड़ के इसे नहीं खेला जा सकता था, लेकिन जैसे कल हमने परफॉर्मेंस देखा नीरज चोपड़ा का, वो क्या करते हैं दौड़ते हुए आते हैं और उसे जो उनके हाथ में जैवलिन होती है स्टिक फेंक देते हैं, जो हाईएस्ट दूर तक जाती है और अच्छा वो स्कोर करते हैं और बहुत अच्छी दूरी तक वो जाता है, तो उन्हें वो जो है जीत जाते हैं। तो आखिर ये जो है कहाँ पे ज्यादा खेला है? जैसे कि इंडिया में होता है क्या, हम लोग हॉकी और क्रिकेट और भी जैसे कबड्डी वगैरह बहुत ज्यादा खेला जाता है, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं होता है, ये सब नहीं खेला जाता। लेकिन कौन से कंट्री में ज्यादा खेला जाता है? ये जो है खेला जाता है जर्मनी और स्वीडन में, इसे बहुत ज्यादा खेला जाता है। आखिरकार जो है मॉडर्न जो होता है इसे मॉडिफाई किया स्वीडन कंट्री ने, ये किया कि इसमें कुछ रूल्स अपडेट किए। जैसे पहले क्या होता था कि जैवलिन खेलते समय आप दौड़ नहीं सकते, लेकिन इन्होंने जो है रनअप जो लिमिट किया, रनअप का लिमिट किया कि आप दौड़ के भी फेंक सकते हैं। और उसके बाद ओलंपिक गेम्स जो है, ये जो जैवलिन है ओलंपिक गेम्स में कब आया आपको पता है? 1908 जो है 1908 में मैन के लिए आया, 1908 में, और उसके बाद जो है 1932 में आया वुमेन के लिए, 1932 में जो है वुमेन के लिए आया। अब इसका जो हमने हिस्ट्री जान लिया, आप जानते हैं स्कोरिंग कैसे स्कोर करते हैं, कैसे जीतते हैं। आखिर चीज ये चीज ध्यान रखिए, जो कि जो ज्यादा दूरी तक फेंकता है वो जैवलिन स्टिक को, वही विनर होता है, ठीक है। और इसमें जो है फाइनल में सिर्फ जो है दो आदमी जाते हैं। वैसे तो इसमें जो है 12 खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी जो है फाइनल तक जाते हैं, लेकिन जाते जाते जो है आखिरी फाइनल में जो है दो पर्सन रहते हैं, दोनों में जो ज्यादा हाईएस्ट दूरी तक जो भी फेंकते हैं वो विनर होते हैं। और उसके बाद चलिए अब हम जानते हैं इसमें क्या होता है। एक तरफ से एक मैदान के टाइप का होता है, ठीक है, और इस मैदान में आप क्या है जो ज्यादा हाईएस्ट दूरी तक फेंकते हैं वही विनर होता है। चलिए अब इसके जानते हैं कि जो जैवलिन मैंने बताया, जैवलिन एक प्रकार की स्टिक होती है, और ये कितने भारी होते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। इसका लगभग जो वजन होता है 800 ग्राम से 600 ग्राम तक, 800 ग्राम मैन के लिए और 600 ग्राम जो है वुमेन के लिए होता है। अब ये चीज जानते हैं कि इसके फाउल क्या है, फाउल क्या होते हैं, इसके लिमिट जानते हैं। फाउल देखिए ये होता है कि अगर जैसे कि मैं एक खिलाड़ी है, कोई दौड़ते रनअप करके गया और उसने फेंका, फेंकते ही और वो जैवलिन गिरी नहीं है, वो पीछे मुड़ गया, टर्न हो गया, तो ये फॉल हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि अगर वो पर्सन जो भी, अगर जो प्लेयर है दौड़ते गया और वहां पे एक वाइट निशान है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, वाइट निशान पर अगर पैर रख देता है तो उससे भी फॉल हो जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि घूमना नहीं पड़ता है और पैर नहीं रखना होता उस वाइट निशान पे, अंत वो जो है फॉल हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि अभी तक पहले नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक्स खेला उसमें क्या था। लगभग इसमें जो है फाइनल में 12 प्लेयर जाते हैं, जिसमें कि इंडिया नंबर 1 पे पहले ही आ जाती है। और पहले जो उन्होंने स्कोर किया था 87.03 मीटर का किया था, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और उसके बाद जो है इंडिया ने फिर जब दूसरी बार जो नीरज चोपड़ा ने परफॉर्मेंस अपना दिखाया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही गया, 87.58 मीटर का किया, जिससे कि उन्हें गोल्ड मिला, गोल्ड उन्होंने विंस किया। तो आखिरकार जो है ये अब जानते हैं कि इंडिया में जो है जो जैवलिन के कौन कौन बढ़िया प्लेयर्स है, कौन कौन अच्छे खिलाड़ी है। आप ये बात ध्यान रखें, इंडिया में जो है नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह, ये दोनों बेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन पहले तो आते हैं नीरज चोपड़ा, क्योंकि नीरज चोपड़ा शिवपाल सिंह दोनों ही टोक्यो में क्वालिफाई होते हैं, लेकिन जो है फाइनल तक जाते जाते शिवपाल सिंह जो है वो रिमूव, मतलब कि अनक्वालिफाई हो जाते हैं। नीरज चोपड़ा का अगर पर्सनल हम देखें तो उनका कैसा रहा स्कोर, मतलब कि एशिया में भी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। इन्होंने जब नेशनल लेवल पे खेला तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, 88.07 मीटर का था। और इन्होंने जब इंटरनेशनल लेवल पर खेला तो 88.08 मीटर का रहा था। वैसे ये बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और इन्होंने ओलंपिक्स में बहुत
अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत अच्छा खेले ये। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने इस वीडियो में बताया कि नीरज चोपड़ा ने कौन सा गेम खेला और जैवलिन उसका क्या हिस्ट्री था, कैसे स्कोर करते हैं, क्या इसके फाउल होते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप इसे इस वीडियो को देखें और भी जो मैंने बताया आप इसे बिल्कुल शेयर करें। दोस्तों को पता होना चाहिए, आपके आपके फैमिली रिलेटिव्स को जो भी है सबको पता होना चाहिए कि कैसे जो नीरज चोपड़ा ने जो गेम खेला उसके क्या रूल होते हैं, क्या हिस्ट्री था, क्या फाउल थे, तो ये सब के बारे में। थैंक यू।